Assalamualaikum guys, my name is Rabia और आप लोग देख रहे हैं हिजाबीज किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा लजीज आलू कीमा, जिसकी आप शक्ल देख सकते हैं बहुत ही कोई आला लग रही है और इसकी खुशबू मेरी अभी तक नाकों में आ रही है। तो खैर, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने इसके अंदर तकरीबन आधा कप ऑयल डाला है, आप देख सकते हैं शो हो रहा होगा आपको। हमने बीफ का कीमा लिया है और ये फ्रिज का कीमा है, तो इसको तकरीबन खुलने में 15 मिनट लगेंगे। अब हम इसको हल्की आंच पे ढक के पकाएंगे ताकि ये जल्दी खुल सके। हम लोगों ने टाइम के साथ साथ आराम आराम से तोड़ा तो फिर ये इस तरह से टूट गया है पूरा, आप देख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर हमारा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, जो कि हम लोगों ने 2 टेबल स्पून लिया है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम 2 टेबल स्पून भर के हम लोगों ने रेड चिली पाउडर लिया है, हमारी लाल मिर्चों का पाउडर, हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच भर के एक टीस्पून हम लोगों ने हल्दी ली है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। और हम लोगों ने 8 से 10 तकरीबन जो है वो काली मिर्चें ली हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के हमारा धनिया, देख सकते हैं आप लोग धनिया पाउडर, वो हम इसमें डालेंगे। और 1 टेबल स्पून हमारा नमक, जो कि बिल्कुल सफ़ेद है, दिख भी रहा। यस, ये देखें ये रहा, सही है, ये देखें ये इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन हम लोग 5 मिनट आप इसे ऐसे चला लें। इसको हम सिर्फ 5 मिनट हल्का हल्का भूनेंगे। आप देख रहे हैं कि ऑयल इसका अलग हो रहा है और जो मसाले हैं वो इसका अलग हो रहे हैं, दिख रहा होगा वाजे। अब हम 2 टमाटर और 1 प्याज को फौरन से ग्राइंड कर लेंगे। देखें हमारा जो पेस्ट है 2 टमाटर और 1 प्याज का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे ग्राइंड करके। और एक हम लोगों ने छोटा टमाटर जो नॉर्मल साइज़ का होता है वो हम लोगों ने काट लिया था इस तरह से, अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप के आप अजीब गरीब शेप काट सकते हैं, और वो आप इसके अंदर डाल देंगे। चला गया, बच गए थोड़े से, ये ले पूरे पूरे डल गए, सही है। अब इसको मिक्स करेंगे। अब जो हमारे आलू हैं वो हम डाल देंगे। ये हमने तकरीबन 4 आलू लिए थे और 4 आलूओं को हमने ऐसे लंबा 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 काट लिया था, इनकी शक्ल कुछ इस तरीके की थी। इस तरीके के आलू काटते हैं ना तो ये जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हम लोग इस तरह काटते हैं। इसकी आंच हम लोगों ने हल्की कर दी है और इसको 10 मिनट तक आप भूल जाएं बिल्कुल, जैसे कि ये है ही नहीं, 10 मिनट इसे छोड़ दें देगा। अब हमने कढ़ाई का जो ढक्कन है वो हटाया और चेक करना है हमने कि हमारे जो आलू है वो गले के नहीं, सही है, ये देखें गल गया, ठीक है। जब हम अब इसको हल्के हल्के से भूनेंगे हल्के हाथ से, ताकि हमारा जो आलू है वो टूटे नहीं क्योंकि ये गल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसके अंदर डालेंगे दही, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून भर के। उससे क्या होता है, बहुत ही कोई चटपटा टेस्ट आता है, इतने मज़ेदार कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो हम डालेंगे 1 टेबल स्पून और 1 और टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर दही डाल दिया और इसको आराम आराम से मिक्स करेंगे कि कहीं हमारे जो आलू हैं वो टूट ना जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे एटलीस्ट 5 मिनट, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने मज़े का हो रहा है, इसका आराम से 5 मिनट के अंदर अंदर ना ये सही से ना जो इसका ऑयल है वो अलग हो जाएगा, बिल्कुल अभी भी हो रहा है, 5 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा और ये सही से भुन जाएगा। हमारा जो आलू कीमा है उसको 5 मिनट हो गया और ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी डालेंगे, आधा ग्लास नहीं आधा कप पानी डालेंगे। हमने इतना पानी डाला है, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे तकरीबन 2 मिनट। अब हम इसके अंदर 1 मुट्ठी तकरीबन जीरा डाल देंगे, ऐसे डालेंगे। हम लोगों ने इसके अंदर भुना हुआ जीरा डाला है और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 मुट्ठी धनिया, जितना भी आपकी मुट्ठी में आए उतना ऐसे डालेंगे तरीके से। अब 1 मुट्ठी में जितना भी आपके हाथ में अदरक आएगा आपने अदरक ले लेना, इस तरह से उसको डालेंगे, डल गया। अब बिल्कुल ही एंड में जब हम सब कुछ डाल देंगे तो 4 हरी मिर्चें हम लोगों ने कट लगाया, आप देखें इस तरह से 4 हमने लिए हैं और हम इसको ऐसे डाल देंगे इस तरह से। अब हमारा ये तैयार हो गया तो हम इसको ढक रहे हैं।